बचपन कच्ची माटी है, समाज और समय के अनुरूप इसी मिट्टी से मनुष्यता आकार लेती है। हमारे बच्चों में अभी से नागरिक बोध का स्वर उच्चारित हो, इसी उद्देश्य से बचपन बचाओ आंदोलन एवं सीतामढ़ी पुलिस ने बाल दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के मन को बाल संवाद का मंच देकर बाल दिवस मनाया। उक्त बातें बाल दिवस के मौके पर सीतामढ़ी SP मनोज कुमार तिवारी ने कही। सर्वप्रथम SP मनोज कुमार तिवारी ASP मनोज राम को बाल समिति के सदस्यों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर जिले में पुलिस के द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए निरंतर किए जा रहे अनूठी पहल के लिए अभिवादन किया। SP मनोज कुमार तिवारी ने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बच्चों के साथ केक काटकर बाल दिवस मनाया। बाल संवाद कार्यक्रम में भतनाहा प्रखंड क्षेत्र के किशनपुर गाँव की छात्रा रिया कुमारी ने SP मनोज कुमार तिवारी से संवाद के दौरान कहा कि मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ और बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से गठित बाल समिति की सदस्य हूँ। हम बच्चे जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा, हम बच्चे आपके बचपन से सीखना चाहते हैं। यह सुनकर SP मनोज कुमार तिवारी बहुत खुश हुए। उन्होंने बाल संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मेरा भी बचपन आप बच्चों की तरह ही था। मैं भी पहले आपकी तरह गाँव से पढ़ाई के संयोग से शहर भी आने का अवसर मिला। बचपन को खुलकर जीना चाहिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खेलिए, क्योंकि बचपन एक ऐसा उम्र होता है जो लौट कर वापस नहीं आता। बचपन कच्ची माटी की तरह होता है, जैसा इसको आप ढालेंगे वैसा आपका भविष्य होगा। सवरना भी खुद आपको है, इसके लिए अभिभावक शिक्षक सभी आपके साथ हैं। अपने लक्ष्य के प्रति मन लगाइए, सफलता आपको मिलेगी। सही रूप में ढलकर मेहनत कीजिए, यह आपके भविष्य को संवारेगा। माँ पिता अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मनोज राम, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधि मुकुंद कुमार चौधरी, शिवशंकर ठाकुर विधि से परिवीक्षा अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई अब्दुल रहीम सहित छात्र छात्रा शामिल थे। प्लस में बच्चों ने हम सबके साथ मिलकर के केक काटा, बहुत अच्छा लगा। कुछ ज्ञान की बातें भी बच्चे बहुत अच्छे ये कर हैं और अच्छा कर रहे हैं और देख करके बहुत अच्छा लगता है। ये निरंतर आगे बढ़े, हम सबकी ब्लेसिंग्स इनके साथ हैं और इनका जो जज्बा है देख करके वाकई बहुत अच्छा लगा। और ये लोग कुछ बात किए तो उसमें हम लोगों के बचपन के बारे में जानने की कोशिश किए। वाकई इनके साथ हम लोग पुनः अपने बचपन में चले गए। थैंक यू। मैं 8वीं क्लास की छात्रा हूँ। मैं मेरा भी बचपन आप लोग जैसा ही था और आप लोग जैसे ही पहले मैं भी गांव से पढ़ा फिर बाहर आए, तो आप लोग तो शहर में, हम बिल्कुल गांव में पढ़े थे, फिर संयोग से शहर भी आने को मिला। बचपन को खुल के जीना चाहिए, खूब पढ़ो, खूब खेलो, ठीक है, क्योंकि बचपन एक ऐसा उम्र होता है जो वापस दोबारा लौट करके नहीं आता। इसमें इंसान कोई भी कम दिमाग वाला या ज़्यादा दिमाग वाला नहीं होता, सबके पास दिमाग एकदम मिला हुआ है। और बच्चे जो होते हैं ना कच्चे मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है, कुम्हार को देखते हैं ना कि दिया बनाता है, कई मिट्टी से कई स्वरूप बनाता है, वैसे ही आप लोग, सब लोग कच्चे मिट्टी के बने, जैसा इसको ढालोगे वैसा आपका खुद से संवारना भी आपको खुद को है। और उसके लिए आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके साथ और भी कई तरह से लोग जुड़े हुए हैं, सबसे आप सीखिए खूब, एकदम जो चीज चाहिए कि मुझे ये करना है, ठीक है, मन में आ गया कि मुझे ये करना है तो बस उस लक्ष्य के पीछे लग जाइए, सफलता आपको मिलेगा। आप लोग क्लास में पढ़ते तो हर बच्चे का ऑलमोस्ट सोचने का दिमाग सेम होता है, लेकिन अच्छा वही बच्चा करता है जो उसको सही रूप में ढालता है और मेहनत करता है, ठीक है। तो इसलिए आप सब लोग खुल करके मेहनत कीजिए, खूब खेलिए, खूब पढ़िए और खूब खाइए, तंदुरुस्त रहिए, ठीक है। यही खाना जो है आपका पूरा जीवन जो है ना, अभी जो आप खाएंगे जो खेलेंगे यही आपके पूरे आगे का जीवन को संवारेगा और स्वस्थ रहने की शक्ति देगा। इसलिए अभी एकदम सब लोग फिट रहना, खूब खेलना है, एक्सरसाइज करना है, दौड़ना है, एकदम जो करना है करो, ठीक है, लेकिन साथ में पढ़ो,
और माँ बाप बड़ों का सम्मान करना सीखो, ठीक है। और